नमस्कार। कोरोना वायरस COVID-19, मित्रों आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी लोग कोरोना वायरस के फैलने से भयभीत हैं। वास्तविकता यह है कि यह समय डरने का नहीं बल्कि सामना करने का है। कोरोना वायरस या किसी भी रोग को समझदारी से डील करने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं कि यदि केवल व्यक्ति को साधारण बुखार या जुकाम भी हो जाए तो उसे इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं मुझे कोरोना वायरस तो नहीं हो गया। आवश्यकता है कि किसी भी रोग के प्रति सावधानी बरतने के लिए प्रचार किया जाए, ना कि लोगों के मन में उसके प्रति डर पैदा करने के लिए। आज के समय की मांग है कि हम लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें कि यदि वे कोरोना या किसी भी वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं तो उन्हें करना क्या है। कोरोना वायरस एक अक्यूट डिजीज तीव्र रोग है, जैसे कि नज़ला, जुकाम, उल्टी, दस्त, बुखार इत्यादि। सभी तरह के तीव्र रोग शरीर में तेज़ी से आते हैं और तेज़ी से ही चले जाते हैं। कोरोना वायरस का उपचार भी वैसे ही करना है जैसे तीव्र रोग में करते हैं। लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के कानून के अनुसार सभी तरह के पशु पक्षी बीमार होने पर अपने भोजन को छोड़ देते हैं। जैसे कि अपने घर में गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली को रखकर देखें। गाय को अगर चोट लग जाए या बुखार हो जाए तो वह घास खाना छोड़ देगी। आप कितनी भी बढ़िया हरी हरी घास उसके सामने रखें वह नहीं खाएगी, क्योंकि वह जानती है कि रोग की अवस्था में पूरी प्राण शक्ति रोग को ठीक करने में लगी हुई है। अगर भोजन ले लिया तो लॉ ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन के प्रिंसिपल के अनुसार मेरी शक्ति भोजन को पचाने में लग जाएगी। क्या इससे बड़ा कोई साइंटिफिक प्रमाण हो सकता है? मानव के अलावा सभी 84 लाख जीव जंतु इस साइंस को जानते हैं, आधुनिक मानव इसे भूल गया। दोस्तों, हमारे पूर्वज हेल्थ साइंटिस्ट थे। पंजाबी की एक कहावत है, जर जुकाम पावना, 3 दिन खाने को ना दो तो वापस नहीं आवना। जर का मीनिंग है बुखार, जुकाम का मीनिंग वायरस, पावना का मीनिंग मेहमान, अर्थात जुकाम को, बुखार को और मेहमान को या किसी भी किस्म के वायरस को अगर 3 दिन तक भोजन ना दिया जाए तो वह द्वारा वापस नहीं आते हैं। कोरोना वायरस होने पर क्या करें? लंगनम परम औषधम, उपवास परम औषधि है। अपने भोजन को बंद करें, 3 दिन के लिए कुछ ना खाएं। लॉ ऑफ नेचर, कुदरत के इस कानून को मानव दवाइयों के कारण भूल गया। आइए जानते हैं करना क्या है। स्टे एट होम एंड कीप डिस्टेंस। सरकार के आदेश अनुसार अपने घरों में ही रहें। डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हाथों को साफ रखें, हाथ ना मिलाएं। हमारी भारतीय संस्कृति अनुसार नमस्ते, नमस्कार करें। इसके साथ साथ नेचुरल लाइफस्टाइल के नियमों का पालन करें, जैसे कि नमस्कार। इसके लिए चलने होंगे 4 कदम। पहला कदम, पहले 3 दिन या जब तक आप अपने आप को स्वस्थ महसूस नहीं करते, रसाहार लिक्विड डाइट पे रहें, जैसे कि नारियल पानी, सफ़ेद पेठे का रस, कच्ची सब्जियों के रस इत्यादि दिन में 3-4 बार ले सकते हैं। पेठे के रस के फायदे व तैयार करने की विधि के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। NLS के वाइट चार्ट को फॉलो करें। दूसरा कदम, इसके बाद कच्ची सब्जी पक्के फल पर रहें, जैसे कि सुबह के समय में रसाहार, नारियल पानी, पेठे का रस या कच्ची सब्जियों के रस लें। दोपहर में कच्चे सलाद लें, स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्धक कच्चे सलाद जो आसानी से पेट भर खाए जा सकें। इन्हें तैयार करने की विधि का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। शाम को 4 बजे के आसपास कोई एक रसाहार और रात्रि के भोजन में कोई एक मौसम का फल प्लेट भर खाएं। NLS के ग्रीन चार्ट को फॉलो करें। स्वास्थ्य की साइंस ये कहती है कि जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक रॉ फूड यानी कच्चे भोजन पर ही रहें। रसाहार, सलाद व फलों की मात्रा या समय को आप अपनी भूख के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। तीसरा कदम, जल्दी आराम के लिए, पेट की तरफ खून का दौरा बढ़ाने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए पेट के ऊपर गीली ठंडी पट्टी दिन में 2-3 बार लगाएं। कब्ज हो तो अहिंसक एनिमा, नॉन वॉयलेंट एनिमा का इस्तेमाल करें। पट्टी व एनिमा के प्रयोग के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चौथा कदम, सूर्य स्नान अर्थात सनबेडिंग। साथियों, सूर्य भगवान स्वास्थ्य और स्वच्छता यानी साफ सफाई के देवता हैं। हम सब जानते हैं
कि सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है, जिससे शरीर में किसी भी किस्म के इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। अगर हमारी किचन में, रसोई में, अनाज में कीड़ा लग जाए अर्थात वायरस आ जाए, या कपड़ों में से स्मेल आने लग जाए, तो हम उन्हें धूप लगाते हैं। आज भी हमारे घरों में सर्दियों के ऊनी कपड़े उठाकर रखने से पहले उन्हें धूप लगाई जाती है, ताकि 6 महीने के लिए रखे जाने पर भी उनमें कीड़ा ना लगे। और सर्दियाँ वापस आने पर जब हम वापस कपड़ों को निकालते हैं तो उन्हें धूप लगाकर ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि धूप दिखाने से बिना किसी केमिकल के सफाई हो जाती है। कोई अगर स्मेल हो जाए कपड़ों में, स्मेल निकल जाती है। कोई कीड़ा लग जाए, कीड़ा निकल जाता है। अनाज के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। अनाज में अगर कोई कीड़ा लग जाए तो उसे धूप दिखाई जाती है, हवा लगाई जाती है, वो अनाज वापस इस्तेमाल करने लायक हो जाता है। ठीक ऐसे ही शरीर में कोई बीमारी या वायरस आ जाए तो सन बेदिंग अर्थात सूर्य स्नान करना चाहिए। आइए जानते हैं सूर्य स्नान करना कैसे है। मित्रों ध्यान दें, हमें सूर्य की रोशनी चाहिए, गर्मी नहीं। सुबह सुबह जब सूर्य उदय होता है उसकी रोशनी होती है, गर्मी नहीं। तब किसी भी प्राइवेट जगह पर, जैसे अपने घर की छत पर, अपने शरीर पर से पूरे कपड़े हटाकर सूर्य की डायरेक्ट लाइट उसके ऊपर लगाएं। आपका सवाल हो सकता है, आजकल हम जिन घरों में रहते हैं वहाँ पर ऐसी प्राइवेट जगह तो होती ही नहीं। यदि कपड़े हटाकर धूप लगाने के लिए आपके पास कोई प्राइवेट प्लेस नहीं है, तो फिर आप सूती कपड़े पहनकर, ढीले ढाले कपड़े पहनकर, हल्के रंग के कपड़े पहनकर शरीर पर कच्ची धूप, सुबह सुबह की धूप लगवाएं। सबसे बढ़िया है सुबह सुबह की कच्ची धूप। यदि सुबह सुबह ना लगवा पाएँ तो शाम को ढलते सूर्य की रोशनी लगवा लें। अगर वो भी ना कर पाएँ तो फिर दिन में किसी भी समय सूर्य की रोशनी ले लीजिए। लेकिन याद रखें, अगर धूप तेज हो तो सिर को ढक कर रखना है। मित्रों ध्यान रहे, सूर्य स्नान का सबसे बढ़िया टाइम सुबह सुबह की कच्ची धूप है। सूर्य स्नान करते समय जब शरीर हल्का गर्म हो जाए, अंदर के भागों में, अंडर आर्म्स में हल्का पसीना आ जाए, तो धूप को छोड़ दीजिए। ऐसा करने से कोरोना ही नहीं, किसी भी किस्म का वायरस, वायरल फीवर और अन्य बीमारियों से बचा जा सकता है। और यदि कोई बीमारी आ जाए तो कम से कम समय में जल्दी ठीक हुआ जा सकता है। जब आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएं तो सामान्य भोजन दिनचर्या को फॉलो करें, NLS के येलो डाइट चार्ट को फॉलो करें। जब जब मानव नेचर के विपरीत चलेगा, प्रकृति के नियमों, लॉ ऑफ नेचर का उल्लंघन करेगा, सभी तरह के पशु, पक्षी, बिल्ली, चमगादड़, यहाँ तक कि सांप को भी खा जाएगा, तो उसे माँ प्रकृति का दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आज नहीं तो कल उसे इस तरह के डरावने डरावने वायरस, कोरोना वायरस इत्यादि या नई नई बीमारी से ग्रस्त होना ही पड़ेगा। याद रखें, माँ प्रकृति मानव को संदेश देती है कि वह समय रहते ही माँ प्रकृति की शरण में आ जाए, ऐसा ना हो देर हो जाए। माँ प्रकृति सभी को अपनी शरण में लेने के लिए तत्पर है। साधको, यदि आप कोरोना वायरस या किसी अन्य रोग से ग्रसित नहीं होना चाहते तो आज ही हमारे मैजिकल डाइट प्लान को फॉलो करें। मैजिकल डाइट प्लान की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, नेचुरल लाइफस्टाइल एक रजिस्टर्ड पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसका पर्पस है डिजीज फ्री वर्ल्ड अर्थात रोग मुक्त विश्व। हमारा इतिहास 150 वर्ष पुराना है। यह ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से चला आ रहा है। हमारी पूरी टीम इस सेवा कार्य में निष्काम भाव से लगी हुई है। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक रविवार हमारी फ्री ट्रेनिंग क्लास को ज्वाइन करें या हमारे YouTube चैनल पर लाइव देखें। हमारी पुस्तकें Amazon ऑनलाइन और हमारे कार्यालय में उपलब्ध हैं। अगर आप हमारे साथ रहकर सीखना चाहते हैं तो हमारे 4 डेज रेजिडेंशियल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कोर्स प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर में हमारे साथ रहकर सीख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ। धन्यवाद।